सियालकोट से खबर शामिल करते हैं, जहां पर बिशप ऑफ लाहौर तकद्दस मआब आर्च बिशप सेबास्टियन फ्रांसिस शॉ ने कहा है कि तालीम के बगैर कौमों की तरक्की मुमकिन नहीं। तालिब इलम जितनी ज्यादा एजुकेशन हासिल करेंगे, आगे उन्हें उतनी ही ज्यादा तरक्की के रास्ते हमवार मिलेंगे। जब इस्तेहकाम का साक्रामेंट हासिल किया जाता है तो रूह बच्चे के साथ काम करती है। मौजूदा दौर में बच्चों की जहनी और जिस्मानी नशोनुमा के साथ साथ रूहानी बेदारी और मामूरी के लिए भी वालदैन को अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सेंट फ्रांसिस कैथलिक चर्च सम्बरियाल में इस्तेहकाम का साक्रामेंट दिए जाने की दुआया तकरीब से खिताब करते हुए किया। इससे कबल जर्नलिस्ट जावेद गुल और चर्च सिक्योरिटी ग्रुप ने बिशप सेबास्टियन शॉ को माला और कुल्ला पहनाकर ढोल की थाप पर उनका वालहाना इस्तकबाल किया, जबकि इस्तेहकाम हासिल करने वाले बच्चों ने इन पर फूल पत्तियां निछावर की और बाकायदा इस्तकबाली फीता काटा गया। जबकि बिशप ऑफ लाहौर ने इबादत के दौरान क्लीसिया को बरकत दी। रेवरेंड फादर विलियम बशारत ने सेबास्टियन की क्लीसिया के जोश और जज्बे की तारीफ बयान की और इस प्रोग्राम में शामिल तमाम लोगों से इजहार तशक्कुर किया और इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए काम करने वाली क्लीसिया के अफराद की तारीफ की। रेवरेंड फादर बाबर खुशी, बाबू खालिद महमूद और बाबू काशिफ ने इस्तेहकाम साक्रामेंट प्रोग्राम में इस्तेहकाम हासिल करने वाले बच्चों को मुबारकबाद दी।